बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यकीनन इस्लाम के अंदर हर मसले का, हर परेशानी का, हर बीमारी का हल है। और यहाँ पर जो है एक बहुत ही अहम एक बीमारी आजकल जो लोगों के साथ चल रही है, अरकुन निसा है। और शेख मक्की साहब ने अरकुन निसा का एक इलाज बताया, वो भी हम देखते हैं और सुनते हैं कि ये क्या बताते हैं। इसके अलावा जो है बच्चे अक्सर जो है बिस्तर में और रात को जो है डर जाते हैं सोते सोते, उसका भी उन्होंने एक हल बता दिया। और जो सबसे बेहतरीन उन्होंने हल बताया जो कि हर बंदे का, हर घर की इस वक्त परेशानी है, वो है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए किस तरह जो है ना क्या करना चाहिए, कौन सा वजीफा करना चाहिए, बहुत ही आसान वजीफा है और हम सबको पता है, बस हम करते नहीं हैं लालमी की वजह से। चले हम इन तमाम मसलों का हल जो है ना शेख मक्की साहब से सुनते हैं और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपके किरण बहुत अच्छी नॉलेज हासिल होगी और ये वीडियो आप शेयर भी करें, सवाब के लिए से भी आप शेयर कर सकते हैं इसको। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं शेख मक्की साहब को। मेरा नाम आयशा है, मैं पाकिस्तान से हूँ। एक तवील अरसे से मुझे अरकुन निसा की तकलीफ है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। याद रखें कि एक हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अला सुबात कौम बाहर जो इकट्ठा करते हैं ना ककोड़ा चलकर, उस पर तशरीफ ले आए। फकामा फबाला कायमन, खड़े होके पेशाब किया। अब इस पर उलमा ने बड़ी माशाल्लाह अल्लाह उनको तमाम उलमा को उनकी मेहनतों का अजर दे, बड़ी बहस है कि आपने ऐसे क्यों किया। बात कहते हैं जी वो जगह जो थी ना वो ठीक नहीं थी, वहाँ बैठ नहीं सकते थे हजूर, इस मजबूरी से खड़े होकर आपने पेशाब किया। तो अगर मजबूरी हो तो आदमी खड़े होकर भी पेशाब कर सकता है। और बाज़ुलमा कहते हैं कि हज़ूर पाक ने अपनी उम्मत की रियायत के लिए एक रास्ता बताया कि कभी ऐसा हालात हो जाए तो खड़े होकर पेशाब, जैसे अब यूरोप में जाए वहाँ पर बैठ के पेशाब करने की जगह ही नहीं है, सब खड़े होकर दीवारों के साथ करते हैं, तो वो भी जायज़ है। और बाज़ुलमा ने यह लिखा है कि हुज़ूर को अरकुन निसा की तकलीफ़ थी, उसके इलाज के तौर पे हजूर खड़े होकर आपने पेशाब फरमाया। इसलिए उलमा कहते हैं कि जिसके अरकुन निसा हो वो अगर हमाम में जाके दरवाज़ा बंद करके बैठ के नहीं खड़े होकर पेशाब किया करे तो चंद दिनों में दर्द खत्म हो जाएगा। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, अल्लाह उम्रा नसीब करे। मेरी बेटी रात को नींद में डर जाती है तो आयतुल कुर्सी और आखिरी तीन सूरतें पढ़ के सोने से पहले दम किया करें। मुझे किसी ने कुछ रकम दी, एक दाना खरीद करके पाकिस्तान सऊदी अरब में कबूतर को डाल देना, ठीक है डाल दो। मेरे भाई अब्दुल मजीद साहब 25 दिन से बुखार है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मेरा नाम आसिफ अली खां है, मैं बेरोजगार हूँ, इस्तगफार पढ़ा करो अल्लाह रोजगार देंगे इंशाअल्लाह। हम पाकिस्तान से उम्रे के लिए आए हैं, हमारे एक दोस्त की बेटी बीमार है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मैं पाकिस्तान से उमरा करने आया हूँ शहर मीरपुर खास से, अल्लाह मिस्टर जावेद को देख और औलाद का फरमाए। मेरी बहन के 10 साल हो गए शादी को, औलाद अल्लाह औलाद का फरमाए। मेरे किसी शख्स ने उम्रे का एहराम बांधा, वाजिब तवाफ पढ़ने के बाद उसने मजीद कई तवाफ किए सही करने से पहले, ठीक है कोई बात नहीं। होटल से हम एहराम बांध लें
मस्जिद आयशा जाके वहाँ से नियत करें, कोई बात नहीं, चादरे बांधने का नाम तो कुछ नहीं है ना। ये तमाम बात हम लोगों को पता होनी चाहिए। हमारी जॉइंट फैमिली है, घर की खवातीन में चुगली और सियासत बहुत ज्यादा होती है, औरतों में चुगली की तो आदत होती होती है ना जी। बद्दुआ क्या करें, अल्लाह उनको हिदायत दे। मैं शिकारपुर से हूँ, नूर हसन के लिए दुआ कि अल्लाह उसको औलाद दे। मेरी दो पोतियां हैं फातिमा और नूर रैन, अल्लाह उनको आलिमा बनाए, आमीन आमीन बोल। अल्लाह मेरे बच्चों को रिज़्क़ हलाल दे, अल्लाह हर मुसलमान के बच्चे को रिज़्क़ हलाल दे। मेरे भाई बहुत मकलूज हैं, अल्लाह उनका कर्जा अदा करे, इस्तग़फ़ार भी अदा पड़े तो इंशाअल्लाह कर्जा अदा हो जाएगा। आपकी बेटी के लिए वालिदैन से बड़ी दुआ किसी की नहीं होती, आप दुआ क्या करें कि अल्लाह उसको गलत आदमी के तल्लुक से महफूज रखे और सही जगह पर उसका रिश्ता हो जाए। मेरे भाई को कैंसर है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। हमारी जमीन का मुकदमा चल रहा है, अल्लाह कामयाब करे। अगर एहराम साफ हो तो दोबारा उमरा कर सकते हैं, कर सकते हैं। मेरे भाई साबिर अली की जगह पर किसी ने कब्जा किया है, अल्लाह करे उसका हक उसको मिल जाए। कोई आदमी अगर रियाजुल जन्नत में बैठ के नमाज पढ़े और कसम खाए कि मैंने जन्नत में नमाज पढ़ी, इंशाअल्लाह बिल्कुल कसम ठीक है, क्योंकि जब हदीस में है कि रोज़ तुम में रियाजुल जन्नत। उस्ताद नईम तौसा शरीफ अरुण सलाम कहा है वाले ही सलाम, आप जहां से भी दरूद शरीफ पढ़ते हैं अल्लाह पहुंचाते हैं अंबिया को। उम्रे का दम कैसे अदा करें, यहां मंडी में जाके एक बकरी खरीद करके तकसीम कर दे। मोहम्मद अनस इंडिया से डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है, अल्लाह कामयाब फरमाए। दोस्तों आप लोगों को बहुत ही अहम नॉलेज और मालूम हासिल हुई होगी, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह नेगेवार।